नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। भोपाल की जीदया गौशाला में गौवंश की मौतों के बाद बवाल मच गया। यहां हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रशासन ने करीब 3 ट्रक को भरकर गायों के शव और कंकाल निकाले। इसके बाद चांच बैठा दी गई। गायों की दुर्दशा की इस खबर के बाद राजधानी भोपाल में एक अच्छी खबर भी सामने आई है। यह खबर है, भोपाल से 40 किलोमीटर दूर हलाली डैम के किनारे 2.5 एकड़ में बनी ब्रजमोहन रामकली गौ संरक्षण गौशाला की। जी हां, ब्रजमोहन रामकली गौ संरक्षण गौशाला हाईटेक है। यह गायों के इलाज के लिए आईसीयू भी है। गायों का यहां नियमित स्वास्थ्य परीक्षण होता है। पूरी गौशाला कवर्ड है। सुरक्षा के लिए 8 सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। यहां क्षमता से ज्यादा गाय होने के कारण प्रबंधन को बोर्ड लगाना पड़ा कि यहां अब किसी और गाय को नहीं लिया जाएगा। 35 साल पहले सिर्फ 100 गायों से यह गौशाला शुरू हुई थी। वर्तमान में यहाँ 1,707 गाय हैं। यहाँ भोपाल के अलावा रायसेन, विदिशा के लोगों द्वारा छोड़ी गई बीमार, एक्सीडेंट में घायल और बिना दूध देने वाली गाय हैं। दूध देने वाली एक भी गाय यहाँ पर नहीं है। गौशाला के अध्यक्ष प्रहलाद दास मंगल ने बताया कि यहाँ 8 शेड हैं और एक शेड में 150 से 300 तक गाय रहती हैं। सालाना 60 लाख रुपए खर्च यहां पर आता है। सचिव प्रमोद नेमा ने बताया कि नगर निगम की गाय नहीं लेते हैं। गायों की सेवा के लिए 35 कर्मचारी हैं। इन्हें 12,000 रुपए तक वेतन मिलता है। एक साल में गायों पर करीब 60 लाख खर्च होता है और संस्था के 250 सदस्य इच्छा अनुसार राशि देते हैं। प्रशासन रोजाना एक गाय की मान से 20 रुपए देता है। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज़ में।